Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. This is me, your English instructor and motivational speaker, Muhammad Hasnan, once again with all of you people. Today, I have a very interesting and a very informative topic that is going to be very much helpful for all of us. So, let's start our topic. Bye-bye. Mujhe English mein thoda sa problem hai. Excuse me, students. Ji, Shahzadi. Sabse pehle mere students ko salam karein. Assalamualaikum. कैसे हैं आप सब प्यारे प्यारे लोग. और मैं हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर शहजादी और मैं हूँ आप सब की तरह क्यूट. प्यारे स्टूडेंट्स, कि आपको मेरा भाई पढ़ाता है इंग्लिश में बहुत सारा बातें, इसलिए मैं वीडियो के दौरान नहीं आ गई क्योंकि मेरा भाई तो मुझे टाइम ही नहीं देता. सारा टाइम आप लोगों को देता है. अच्छा, सॉरी शहजादी, आई एम वेरी मच सॉरी. जी, आपको क्या मसला हो रहा है शहजादी? मुझे इंग्लिश में ये नहीं आता. कैसे बोलते हैं इंग्लिश में बुक? गिव मी योर बुक. माई, गिव मी माई बुक. मुझे मेरी बुक दो. अच्छा, ये तो बहुत ही आसान था. गिव मी योर बुक. जी, बहुत आसान था. मेरी बुक गायब हो गई है. अरे, मुझे अभी याद आया, वो तो मैंने बैग में ही थी. चलो मैं अपनी बुक लाती हूँ. ओह, वेयर इज माय बुक? यस, इट्स इन माय बैग. लेट्स पिक अप माय बुक. अरे, मुझे मेरी बुक मिल गई. ओह, आई फाउंड माय बुक. याहू, ये तो खुशी की बात है. मेरी फेवरेट बुक मुझे मिल गई. जी, तो कैसे बोलते हैं के वॉशरूम हम जाए? जी, आई एम गोइंग टू द वॉशरूम. मैं वॉशरूम जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द वॉशरूम. मैं वॉशरूम जा रहा या जा रही हूँ. बहुत बढ़िया है और ये आसान है सबसे ज्यादा. जी, बाहर बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग आउटसाइड. वाओ, धूप निकली है. वाओ, इट्स सनी. सनी, यस, वेरी गुड. हम लोग घूमने जाएंगे. नाउ वी आर गोना गो आउटसाइड फॉर सम फन और फॉर एंजॉयमेंट. और साथ में हम लोग शहजादी ये भी कह सकते हैं कि आप कहोगे कि बाहर तो सूरज निकला हुआ है, हम ऐसे भी कह सकते हैं इट्स सन शाइनिंग आउटसाइड. इट्स सन शाइनिंग आउटसाइड. मुझे पसंद है स्लाइड. I love the slide or I like the slide. मेरा एक दूसरा झूला भी फेवरेट है, घूमने वाला. I love the ride in which you are rolling, yeah, in which you are moving. Moving. जी, इंग्लिश सीखना तो बहुत आसान है. हाँ जी, हाँ, बहुत आसान है. पर एक ऐसा मेरा आपसे सवाल है, आपको पता है इंग्लिश में पकोड़े कैसे बोलते हैं? नहीं. पकौड़े अगर हम लोग देखें तो ऐसे बहुत से अल्फाज होते हैं जो कि उर्दू के अंदर तो मौजूद हैं पर इंग्लिश के अंदर नहीं है. क्योंकि पकौड़े अगर हम लोग देखें तो वो पाकिस्तान के अंदर खाए जाते हैं, एशिया के अंदर खाए जाते हैं. वो एशिया से बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ या नेटिव कंट्रीज़ में नहीं होते. तो इसीलिए हम लोग उनका ख़ास वाला नाम नहीं बोल सकते. जिस तरह आपने कहा कि घूमने वाला झूला या जो गोल गोल घूमता है, सो उसका एक ख़ास नाम नहीं है. उसका नाम वी कैन से द स्विंग दैट मूव्स इन सर्कल्स. हम लोग ऐसे कह सकते हैं या द स्विंग दैट मूव्स स्पेरिकली. हम बोल सकते हैं ऐसे भी कि मुझे सर्कल वाला झूला पसंद है. आई लाइक दैट स्विंग दैट इज इन द शेप ऑफ सर्कल. आई लाइक दैट राइड दैट इज इन द शेप ऑफ सर्कल. जी, और कोई सवाल? और कोई सवाल भाई? ये हमारी इस दुनिया, हमारी दुनिया में एक हमारी दुनिया के साथ नज़दीक एक और दुनिया भी है. वो उस दूसरी दुनिया का नाम क्या होता है? अगर देखा जाए तो आपको क्या चाहिए इस सवाल का जवाब, कि इस सवाल का इंग्लिश के अंदर? भाई, इस सवाल का जवाब मुझे इंग्लिश में चाहिए. तो मैं सवाल भी बता देता हूँ, जवाब भी बता देता हूँ. सवाल ऐसे पूछेंगे दैट विच इज़ दैट वर्ल्ड दैट इज़ मोस्ट नियरेस्ट टू आवर प्लैनेट अर्थ.
इस तरह बोलेंगे. एंड द आंसर टू दैट इज मार्स. मार्स ही है इसका सही जवाब, क्योंकि मार्स हमारे सबसे करीब है. बट अगर देखा जाए तो मून जो है एक प्लैनेट नहीं है, पर अगर प्लैनेट के अंदर हम लोग अगर एस्ट्रॉइड्स या अगर हम लोग रॉक्स के अंदर उसे लें. एस्ट्रॉइड्स नहीं पता कि वो क्या चीज होती है. एस्ट्रॉइड्स वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि स्पेस के अंदर जो स्टार्स होते हैं वो जब टूट जाते हैं तो उनके छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं जो कि स्पेस के अंदर घूमते हैं. मुझे भी याद आया, हाँ. वो जब हम रॉकेट में स्पेस के अंदर जाते हैं इसलिए ऐसा थोड़ा थोड़ा सा घूमते हैं, क्योंकि स्पेस में तो हवा तेज नहीं होती. हाँ, वो स्लो स्लो घूमते हैं वहाँ पर, ना तो उनका मास होता है. स्लो घूम वो रॉकेट भी जाता है स्लो स्लो, हाँ, अगर फ्यूल ना हो तो. अगर देखा जाए दिस इज द सिंपल थिंग. और अगर देखा जाए तो अगर हम लोग एस्ट्रॉइड्स या अगर हम लोग पत्थरों की बात करें तो मून सबसे नियर है. जी आगे. ये बोर्ड क्यों व्हाइट होता है? ये बोर्ड इसीलिए व्हाइट होता है ताकि हमारी लिखाई इसके ऊपर दिखे. और इसका इंग्लिश में कहेंगे व्हाई इज दैट बोर्ड व्हाइट. बोर्ड इज व्हाइट. व्हाई आर द बोर्ड्स व्हाइट? व्हाइट आर द बोर्ड्स व्हाइट. यस करेक्ट. क्लैपिंग. तो हम लोगों ने थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी सीख ली, हम लोगों ने साथ में थोड़ी सी इंग्लिश भी सीख ली. जी मुझे बारिश बहुत पसंद है. आई लव रेन. I love when it's raining. ये दोनों हम लोग कह सकते हैं. तो आज हम लोगों ने इंग्लिश भी सीख ली, जनरल नॉलेज भी पा ली, हम लोगों ने बहुत कुछ मज़ा आया. तो चलिए एक नई वीडियो के अंदर फिर हम लोग मुलाकात करेंगे. हाँ. एक बार फिर मेरे साथ अच्छा दादी भी होगी, अगर उनका कभी फिर कोई मसला हुआ इंग्लिश में तो वो भी आएगी मेरे साथ. तो हाँ. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. मुझे भी दीजिए प्यारे प्यारे दोस्त. हाँ, मैं मोहम्मद हसनैन और साथ में आप सबकी फेवरेट क्लासमेट डॉक्टर शहजादी. तो दिस इज ऑल. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.